हेलो बच्चों वेरी गुड इवनिंग क्या आप सबको आवाज आ रही बेटा वेरी गुड इवनिंग बच्चों <laughs> चलो ऑन बच्चों सारे बच्चे जल्दी से आओ लिंक को शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को जल्दी से इनवाइट करो लाइक करो जल्दी से जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ फिर हम स्टार्ट कर दें यस ऑन बच्चों ऑन कम ऑन मेरे सारे चीते आ जाएं जल्दी से नीट पंचायत की क्लास है और नीट पंचायत में अभी तक हमने काफी यूनिट्स कंप्लीट कर लिए एक नई यूनिट की हम शुरुआत करने वाले हैं दैट इज बायोटेक्नोलॉजी और इसका पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं मेरे बारे में तो आप जानते हैं मैं हूँ ऑथर ऑफ नीट बुक ऑथर ऑफ द एन सी आर टी टैबलेट बुक और मैंने एम बी बी एस किया है के जी एम यू लखनऊ से अचीवर प्रो बैच की शुरुआत दस मार्च से हो चुकी नीट दो हजार इक्कीस के लिए प्लस पे बिल्कुल ज्वाइन करना ना भूलें और अनकेडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं एच जी लाइव कोड का यूज करेंगे टेन परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा एच जी लाइव कोड इसका आप यूज करेंगे ओके और अपने डाउट पूछने के लिए आप अनकेडमी लर्निंग ऐप का यूज कर सकते हैं टेस्ट शेड्यूल है और आज से आपकी नई सीरीज भी शुरू हुई है और यह है अनकेडमिक कॉम्बैट टेस्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में और कोड आपको बस वही यूज करना है एच जी लाइव ठीक है इस कोड का आप यूज करेंगे ये कॉम्बैट टेस्ट फ्री में ज्वाइन कर पाएंगे और हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगी टॉप थ्री विनर्स को और डेढ़ सौ विनर को एडिशनल ऑफर भी मिलेगा अरविंद बेटा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए ठीक है अचीवर प्लस बैच नेट दो हजार इक्कीस के लिए तीन महीनों स्टार्ट हो चुका है अर्ली इन थी दो हजार बाईस छह मार्च से स्टार्ट हो चुका है कॉम्पैट जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है साढ़े तीन करोड़ की स्कॉलरशिप पर दी जा रही है अगला टेस्ट ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च को होगा हर संडे को टेस्ट होता है ट्वेंटी एट क्वेश्चन होते हैं मिनट होते हैं रिलेटिव स्कोरिंग होती है और आगे बढ़ते हैं फ्री में एनरोल कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप इसका अवेलेबल है ठीक है और प्रैक्टिस लास्ट ट्वेंटी ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सत्रह मार्च से स्टार्ट हो रहा है इसको आप एनरोल कर सकते हैं लर्निंग पर और फाइनल नीट ट्वेंटी, ट्वेंटी वन नाइनटी डेज का रिविजन और प्रैक्टिस कोर्स चौबीस मार्च से स्टार्ट हो रहा है इसको भी एनरोल आप कर सकते हैं और ये सब्सक्रिप्शन पर मैंने पहले ही बता दिया है चलिए अब हम लोग हैं इस समय इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ऐप आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा क्योंकि आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं अभी बजे से क्लास आपकी होगी बेटा बजे से आपकी क्लास होगी इसी ऐप पर लर्निंग ऐप पर जहां पे हम वीआईपी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं वीआईपी वीआईपी क्या है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इस सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं और इसमें द लिविंग वर्ड पहले चैप्टर से चलेंगे आखिरी चैप्टर तक ठीक है थर्टी एट चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा फिर यूनिट वाइज क्वेश्चन करने शुरू करेंगे ओके मेरा कोड है जी लाइव इसका यूज टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा कॉम्बैट फ्री में मिल जाएगा और ऐप पे आप क्लासेस करने के लिए इसी कोड का यूज करेंगे ओके सारे बच्चे इसी कोड का यूज करेंगे तो आपकी अब तीन क्लासेस हो रही बेटा है ना एक तो नीट पंचायत की क्लास चलती है एक नौ बजे वाली क्लास होती है सचम बैच की यह ऐप पे चलती और ग्यारह बजे वाली क्लास होती है आपके ऐप आप पर तो एक क्लास नौ बजे एक क्लास दस बजे और एक क्लास ग्यारह बजे इन तीनों क्लास में कुल मिलाकर डेली बेसिस पर दो सौ से ढाई सौ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और ये क्वेश्चन अगर एक मान लेते हैं, एक सौ दिन ही आप करते हो मेरे साथ क्योंकि संडे निकालते तो एक दिन का टाइम बचेगा 120 दिन में सवाल आप करोगे तो करीब करीब 24,000 से 30,000 क्वेश्चन हम कर लेंगे 24,000 से 30,000 अच्छा शिवम हाँ साइंटिस्ट वाला जो रिमेनिंग वो भी मैं करवा दूंगा ओके साइंटिस्ट वाला जो रिमेनिंग रह गया था वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा ओके एक मिनट हाँ वो क्लास बेटा बारह बजे पहले ही एंड हो जाएगी ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है नीट पंचायत का द मोस्ट थ्रॉली स्टडीड नोन बैक्टीरिया प्लांट इंटरेक्शन इज अरे कौन सा बैक्टीरिया प्लांट इंटरेक्शन ऐसा है जिसपे बहुत ज्यादा स्टडी किया गया बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया है hmm. बताइए कौन सा इंट्रेक्शन ऐसा जिसपे बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया है दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन एनजीओ स्पर्म बाई एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर एंजाइम टैग पॉलीमिरेज टैग पॉलीमिरेज एंजाइम के लिए कौन सा ऑप्शन सही है ये आपसे पूछा गया है ठीक है टैग पॉलीमिरेज के लिए कौन सा ऑप्शन सही है ये आपसे पूछा गया है, है? है, है? बताइए

Of cycle अगर दस साइकिल चलाई जाए तो क्या होगा तो अगर एक डीएनए मेरे पास है एक साइकिल अगर हम चलाएंगे तो दो बन जाएंगे दो साइकिल में चार बन जाएंगे तीन साइकिल में आठ बन जाएंगे चार साइकिल में सोलह बन जाएंगे पांच साइकिल में बत्तीस बन, बन जाएंगे ठीक है छ साइकिल में चौसठ बन जाएंगे सात साइकिल डबल करते जाना एक सौ अट्ठाईस बन जाएंगे आठ साइकिल में दो सौ छप्पन बन जाएंगे नौ साइकिल में पांच सौ बारह बन जाएंगे और दस साइकिल कंप्लीट करोगे तो एक हजार चौबीस आ जाएगा बस सीधा सा आंसर था डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्लाज्मिट आर ऑटोनोमसली रेप्लीकेटिंग मिनी क्रोमोसोम फाउंड इन प्लाज्मिट कहा पर पाए जाते हैं प्लाज्मिट पर पाए जाते हैं बेटा प्लाज्मिट कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं अब ये तो वायरस है तो इसमें तो होगा नहीं लेस्मैनिया प्रोटोजोवन है पैरामीशियम प्रोटोजोन तो इनमें तो नहीं पाया जाएगा इस चर्चिया कोलाई बैक्टीरिया है इसके अंदर आपको प्लाज्मोडियम मिल सकता है विच आर द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस कैन नॉट बी यूज्ड वाइल यूजिंग पीबीआर थ्री ट्वेंटी एज ए क्लोनिंग वेक्टर कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज नहीं कर सकते हैं बताइए ये आपको इसके लिए आपको पता होना चाहिए बेटा है ना अगर आप का करें तो उसमें PVU होती है, PVU आप इसका यूज नहीं कर सकते बाकी H1, PST1 और CEL1 इन तीनों का कर सकते हैं लेकिन पी टू साइट नहीं पाई जाती आज जाकर उस डायग्राम को जरूर देखिएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्स बहुत अच्छा सवाल है अगर थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देंगे बेटा तो इस क्वेश्चन में आप गलती कर जाएंगे ठीक है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइट प्रेजेंट होते हैं द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइट प्रेजेंट इन द रिस्ट्रिक्शन सिक्वेंस ऑफ कितने न्यूक्लियोटाइड होते देखो बच्चे गलत करने लगे इसमें न्यूक्लियोटाइट का नंबर पूछा है बेटा न्यूक्लियोटाइट कितने होते हैं देखो छह पेयर होते तो न्यूक्लियोटाइट तो बारह होंगे बेटा ना न्यूक्लियोटाइट पूछा है बेस पेयर बेटा अगर पूछे जाए तो देखो बेस पेयर होते हैं छे लेकिन न्यूक्लियोटाइड का नंबर बारह होगा इसीलिए दिया गया प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोविंग इन वेरी लार्ज वेसल कॉर्ड अरे इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन के लिए हमें बड़े बड़े बर्तनों की जरूरत होती है और इन बड़े बड़े बर्तनों को क्या कहते हैं बायो रिएक्टर या फर्मेंटर कहा जाता है बायो रिएक्टर या फर्मेंटर कहते हैं लाइगेज एंजाइम आर एंड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू जेनेटिक इंजीनियरिंग में लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है लिए लाइगेस क्या करता है बेटा लाइगेस ज्वाइन ह्यूमन डीएनए टू प्लाज्मिक डीएनए ये ह्यूमन डीएनए को प्लाज्मिक डीएनए से जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन में मदद करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन में मदद करता है ठीक है ठीक है, clear? तो D option correct हो जाएगा इस बेटा थोड़ी सी, बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं क्योंकि इनमें एक बहुत ही स्पेशल फीचर पाया जाता है कौन सा स्पेशल फीचर पाया जाता है बताइए कौन सा स्पेशल फीचर पाया जाता है बैक्टीरिया में क्वेश्चन नंबर नाइन बायोटेक में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि तेजी के साथ रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर को बढ़ा लेते हैं जिससे हमें प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मिलता है कट डीएनए मॉलिक्यूट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस। द स्टिकी एंड फॉर्मड आफ्टर डाइजेशन है सिक्वेंस अरे स्टिकी एंड यहां पर बेटा देखो जो सीक्वेंस होता, होता है वो होता है जी ए ए टी ये सीक्वेंस होता है जी ए ए टी टी सी ये सीक्वेंस होता है बेटा तो जब यहां पर हम कट करते हैं जी और ए के बीच में जब जी और ए के बीच में कट कर देंगे तो जी और ए के बीच में काटेंगे तो क्या बचेगा ए ए टी टी सी ये सीक्वेंस आपको मिलेगा ठीक है स्टिकी एंड यहां पर मिलेगा ए वाला ऑप्शन वैसे सही सबसे सही ऑप्शन तो होगा ए ए टी टी मिलेगा आपको है ना क्योंकि जो सी होगा ये तो डबल स्टैंडर्ड का फॉर्मेशन कर लगा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रोजिल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन एग्रोज़िल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन है ठीक देखते हैं द लॉन्गेस्ट डी एन ए फ्रेगमेंट इज नियरेस्ट टू एनोड लॉन्गेस्ट डी एन ए फ्रेगमेंट एनोड के सबसे नजदीक होता है बताइए

शॉर्टेस्ट फेगमेंट यहां पर होगा ना लॉन्गेस्ट नहीं होगा विच ऑफ दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रीवेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन कॉन्ट्रीवेंस नॉट ए कॉन्ट्रीवेंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन बताइए कॉन्ट्रीवेंस मतलब सहायक ठीक है कॉन्ट्रीवेंस मतलब सहायक क्रॉस पॉलिनेशन में कौन सहायक नहीं होता है नॉट सहायक या डिवाइस कह सकते हो तो क्रॉस पॉलिनेशन की कौन सी डिवाइस नहीं है अगर है, फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो क्रॉस हो ही नहीं सकता है वहां पर ही पॉसिबल हो सकती है। है? को बनाने में लाइगेज का रोल क्या होता है? तो लाइगेज बेटा जोड़ने का काम करता है क्या करता है फॉर्मेशन ऑफ फास्ट फोर्डर बॉन्ड बिटवीन स्टिकी एंड ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट फास्ट फोड बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आंसर करें नीरज वेरी गुड बच्चे द टेक्निक पॉलीमिरे चेन रिएक्शन जिसे आप कहते हैं पीसीआर वाज डेवलप बाय इस टेक्निक को किसके द्वारा डेवलप किया गया था पीसीआर टेक्निक को किसके द्वारा डेवलप किया गया था दिस टेक्निक वाज डेवलप बाय द कैरी मुलर नहीं कैरी बी मुलर नहीं कैरी बी मुलिस के द्वारा डेवलप किया गया था फोर्टीन का ऑप्शन सी हो जाएगा अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो ए ऑप्शन टिक कर देंगे जैसे संदीप ने टिक कर दिया है विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन जस्टिफाई दैट वाई बैक्टीरिया आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों यूजफुल होते हैं क्वेश्चन नंबर बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों यूजफुल होते हैं ये आपसे पूछा गया है बताइए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन दे आर वेरी स्मॉल देर नो माइट नीट लार्ज कंटेनर है तो लार्ज कंटेनर तो चाहिए देर डबल इन ट्वेंटी सेम जेनेटिक कोड एस अदर ऑर्गेज देव प्लाज्मेड दे कैन मल्टीप्लाई फास्टर यस क्योंकि इनका जेनेटिक कोड हमारी तरह होता बिल्कुल सही है सी ऑप्शन कट हो जाएगा एक्सोन्यूक्लिएज इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिएजस दैट डिग्रेड न्यूक्लिक एसिड रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम यानी जो एक्सोन्यूक्लिएज होते हैं ये न्यूक्लिएजस होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं कहां से ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं कहां से रिमूव करते हैं

सेवेंटीन में जो ए आपको दिखाई बेटा फोम ब्रेकर है मैं लग रहा ना कंट्रोल फोम रिएक्टर मिस्ट्री मिस्टी ये मुझे लग रहा है बी ऑप्शन यहां पर होना चाहिए देख लेना अभी एनसीआरटी में तुम लोग ठीक है मुझे लग रहा है कि ये जो ए वाला दिखाया गया फोम ब्रेकर वाला दिखाया गया फोम ब्रेकर वाला है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप इज टू अरे हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप को यूज करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ताकि हमें हर्बिसाइड का ना छिड़काव करना पड़े तो रिड्यूस्ड रिड्यूस हर्बिसाइड एक्युमुलेशन इन फूड फॉर हेल्थ सेफ्टी और अगर हम हर्बिसाइड का यूज नहीं करेंगे तो बायोमैग्निफिकेशन नहीं होगा और ये हमारी बॉडी के लिए हेल्थ के लिए अच्छा होगा वेन वी लाइगेट ए फॉरन डी एन एट ए सैलवन साइट ऑफ पी वी आर थ्री ट्वेंटी टू सेलव द ए विल लूज टेट्रा साइक्न रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरन डी एन ए बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड फ्रॉम बी वन बाई प्लेटिंग द सी ऑन एम पी सिलेन कंटेनिंग मीडिया तो करें अगर सेल वन पे हम फॉरन डी एन ए को लाइगेट करते हैं तो हम आ, टेट्रा साइकिल पे कट करेंगे और उस केस में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट लूज लूज कर देगा, लूज कर देगा देगा रिकॉम्बिनेंट यानी ऑप्शन या तो बी होगा या डी होगा लेकिन इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेलेक्ट कर सकते हैं यानी ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता डी वाला और बाई सेलेक्टेड आउट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट वन प्लेटिंग ऑन एमपी सीन कंटेन मीटिंग बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पीडीएफ सेंड कर देंगे बेटा ठीक है पीडीएफ मिल जाएगी आपको बेसिक कंपोनेंट ऑफ पीसीआर रिएक्शन इंक्लूड बेसिक कंपोनेंट क्या होता है एक पीसीआर के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है पीसीआर में हमें क्या चाहिए बेटा एक टेम्पलेट डीएनए चाहिए प्राइमर चाहिए सबस्टेड चाहिए डी एन टीपी चाहिए और ये एनसीआर टी में बस नहीं दिया गया बफर इसकी जरूरत भी पड़ेगी तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंडी टू एक्ट एस पेरिड्रॉमिक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ पेस्पेयर रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिय टू में पूछा है कि पेलिड्रामिक सीक्वेंस में कितने बेस पेयर होते हैं पेलिंड्रामिक सीक्वेंस में बेटा बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं क्लियर चलिए पूछा द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इनमें से कौन सा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कौन सा है कमॉन बच्चों अच्छा आयशा हाँ बिल्कुल बेटा वो फोम ब्रेकर ही था ना हाँ फोम ब्रेकर ही था बायो प्रोसेस ये नाम एनसीआर टी में जोड़ा है दिस इज मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बायो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट सी ऑप्शन करेक्ट होगा विच ऑफ दिज स्टेटमेंट अबाउट टैक पॉलीमरेज आर यूज ड्यूरिंग पीसीआर इज नॉट करेक्ट करें कि कौन सा स्टेटमेंट टैग पॉलीमरेज के लिए करेक्ट नहीं है टैग पॉलीमरेज के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है इट इज यूज फॉर प्राइमर एक्सटेंशन टू सिंथेसाइज एन न्यू डी एन ए स्टैंड इट इज थर्मोस्टेबल एंजाइम एंड कैन सर्वाइव टेचर अप टू वन ट्वेंटी फाइव नहीं बेटा एट्टी नाइनटी हंड्रेड डिग्री तक ये सर्वाइव कर सकता है ठीक है उसके बाद डाई कर जाएगा ये स्टेटमेंट वन रिकॉमेंट एन ए टेक्नोलॉजी हैज बिन लेस इफेक्टिव इन द थोप्यूटिक ड्रग प्रोडूशन या सही है रिकॉम्बिनेंट एन ए से हम थेरोप्यूटिक ड्रग यानी दवाइयाँ नहीं क्रिएट कर सकते हैं क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल बनाते हैं, इंसुलिन बनाया हमने जोमेटो बनाया है रिकॉम्बेंट थेटिक इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज नहीं इंड्यूस करते हैं यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे द डीएनए डीएनए कैन बी स्टेनिंग विद बताइए बहुत अच्छा सवाल है जो डीएनए होता है उसको स्टेन किससे करते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपको बताया गया है डीएनए को किसके थ्रू स्टेन करते हैं बेटा डीएनए को किसके थ्रू स्टेन करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया जाता है द प्रोसेस ऑफ रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन वाला सवाल है सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन को क्या कहते हैं सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन को क्या कहते हैं जल्दी से बताइए सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन इज नेम्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मिड इनमें से कौन सा प्लाज्मिड है ये सब तो एंजाइम में P बताता है कि ये है कि जिसको बी आर यानी एंड ने डेवलप किया था द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एग्रोजेल ड्यूरिंग जेक लेफ्टोफोरेसिज द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फादर इट मोव बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन ही आपको सही मिल गया यहाँ पर जितना छोटा फ्रेगमेंट का साइज होगा उतनी ही ज्यादा दूर तक मूव करेगा ओके स्टीर टैंक हैव बीन डिजाइन फॉर स्टील टैंक है किस लिए जल्दी से कमॉन बच्चों जल्दी से करें. Tank को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि ये नीट में पूछा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस ताकि पूरे बायोरिएटर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी एक जैसी हो जाएंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन इन

तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है सी करेक्ट है द द फॉलोइंग इज आर वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्लोनिंग का काम कौन क्लोनिंग का काम वेक्टर के रूप में कर सकता है ठीक है तो वेक्टर कौन हो सकता है बेटा प्लाज्मिड हो सकता है बैक्टीरियो फेज हो सकता है टीआई प्लाज्मिड हो सकता है डिसाम रेट्रोवायरस हो सकता है यानी ऑल ऑफ दीजे सारे हो सकते हैं और सारे एनसीईआरटी में आपको दिए भी गए हैं को कर को कोड करने वाले जीन में तो, क्या होगा? तो क्या होगा बेटा तो अगर एमपी सिलीन को बनाने वाले जैसे ये को बनाने वाला जीन है इसको काट के हमने यहाँ पर डिजायर को डाल दिया तो क्या होगा जीन को हमने काटा तो उससे एमपी सिलीन रजिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो होस्ट विल लूज एमपी सिलीन रजिस्टेंस भी ऑप्शन हो जाएगा फॉलोइ इज एन इन करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इन करेक्ट है तो एलगी का सवाल आ गया चलो कर लो इसको ब्राउन एलगी है, है।, है इन रेड एलगी यूजिटेटिवलीगमेंटेशन सही द फूड इज स्टोरियन इन रेड एलगी रेड एलगी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता लेर ब्राउन एलगी में होता तो डी ऑफ गलत हो जाएगा

ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल इस बार एकदम पूरा मन लगा के पढ़िए बेटा जो साढ़े चार महीने मिला कोई भी ढील मत दीजिए इस बार ठीक है बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स के लिए इट इज द एंजाइम विच का पर्टिकुलर पॉइंट सही है द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन हिंडी सही है

क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन लिखा है स्टिकी एंड आर मेड अप ऑफ अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड क्या ये अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं बिल्कुल सही है द स्टिकी एंड अनपेयर्ड होते हैं बेटा तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आ, ए हो जाएगा विच माइक्रोब हेल्प इन प्रोवाइडिंग द एंटीबायोटिक इरेथ्रोमाइसिन एंड क्लोरम फेनिकॉल ये तो बहुत अच्छा सवाल है इरेथ्रोमाइसिन और क्लोरम फेनिकॉल को किससे ऑप्टेन किया जाता है

देर आर सर्टेन सिक्वेंसेज ऑफ डी एन एट आर टर्म डेज मोबाइल और जम्पिंग जीन एंड आर यूजफुल एज वैक्टर सच सिक्वेंसेज आर कॉल्ड एज जंपिंग जीन या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को क्या कहते हैं जल्दी से बताइए दीज आर नेम्ड एज ट्रांसपोजॉन इन्हें ट्रांसपोजॉन कहते हैं बायोटेक में एनसीआरटी ने लिखा हुआ है व्हाट डज आर इन द इको आर वन रिप्रेजेंट इको आर वन में जो आर है क्या रिप्रेजेंट करता है इको आर वन में आर क्या रिप्रेजेंट करता है जल्दी से बताइए इको आर वन में आर क्या बताता है कमॉन बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्टी ECO R1 में जो आर है बताता है बेटा स्ट्रेन स्ट्रेन आर वाई थर्टीन के बारे में ये स्ट्रेन के बारे में बताता है क्लियर क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग विल बी डन विद ए प्रोडक्ट फॉर्म बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए आपसे पूछा है कि क्या करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेशन ठीक है फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल ठीक है

फाइव बहुत अच्छा सवाल है ये. देखो ये होता है पीबीआर बी थ्री ट्वेंटी टू यहां पर होता है एमपीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और इधर होता है टेट्रा साइकिल जीन ठीक है अब एमपीसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे दो साइड पाई जाती है पीएसटी वन पीएसटी वन और पीवीयू वी तो अगर हम पीवीयू वन पे कट करेंगे ठीक है तो उस केस में जो एमपी सिलीन रेजिटेंट जीन है उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तो यही सिलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा ठीक है ए ऑप्शन करेक्ट होगा एमपी सिलीन रेजिस्टेंट जीन जिस जहां पर साइट पाई जाएगी वही सेलेक्टेबल मार्कर होगा इधर कौन होता है इधर बाम एच वन पाया जाता है है ना बाम एच वन और साल वन होता है अगर बाम एच वन या साल वन पे हम कट करेंगे तो टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर एमपी सिलीन रेजिस्टेंट जीन जो है यह सिलेक्टेबल मार्कर होगा फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटीफाइ द रेस्ट्रिक्शन एनजाइम द्रेडिटेड एज द फर्स्टोलेटेड सबसे पहले किस आइसोलेट किया गया ECO -R1, BAM H1, या साल वन बाम लिखा हुआ है पहला रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एनजाइम पहला रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एनजाइम कौन सा था हिंडी टू हिंडी टू पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था

विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैचड इनमें से कौन सा पेयर मिसमैचड है न्यूक्लियर पावर रेडियो एक्टिवे सही है सोलर एनर्जी ग्रीन हाउस इफेक्ट सोलर एनर्जी ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट तो सीओ टू कॉच करता तो यही गलत हो जाएगा सी मिसमैच हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन में

उड़ान बैच का टाइम बेटा आ, मेरा होता है साढ़े आठ बजे लेकिन अभी मेरी क्लास नहीं चल रही है अभी बाकुल सर की क्लास चल रही है ठीक है द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है क्यों क्योंकि दे कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सिक्वेंस ये डीएनए को स्पेसिफिक सिक्वेंस पे कट करते हैं बेटा मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता बताइए। प्रोटीन प्रोड्यूस बैसिलस बैक्टीरिया जो टॉक्सिक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या है उस टॉक्सिक प्रोटीन का नाम क्या है बेटा? That is named as cry protein. उसे क्या कहते हैं क्राई प्रोटीन कहते हैं फॉलोविंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिकलियन करेक्ट स्टेटमेंट दोस्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में पूछा इन करेक्ट कौन सा एनजाइम बाइन डी एन एट स्पेसिफिक साइड एंड कट ओनली वन ऑफ दू स्टैंड यही गलत है बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एनजाइम दोनों स्टैंड को कट करता है

केम्पीसी नाइस्टेंजिन पे पी एस टी वन पी वी यू वन साइट पाई जाती है टेट्रासाइक्लिन पे वाम एच वन साल वन साइट पाई जाती है ना तो आपसे पूछा है कि आर ओ पी रोप इज रिड्यूज ऑस्मोटिक प्रेशर ये रोप कह रहे हैं रिड्यूज ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं ये उस प्रोटीन के लिए कोड करता है जो प्लाज्मिड के रेप्लीकेशन में मदद करती है हिंडी थ्री इको आर वन सेलेक्टेबल मार्कर है नहीं सेलेक्टेबल मार्कर नहीं resistant, resistant gene, है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं ओराइज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएस क्या होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्वेश्चन नंबर 56 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम बढ़िया बताइए जल्दी से कम बैक्टीरिया अपने बचाव के लिए बनाता है ऑफ़ द फॉलोइंग क्या होता है? Palindrom आगे और पीछे से पढ़ने पर एक जैसा है तो फाइव प्राइम से चलो सी जी टी ए टी जी इधर से पढ़ो सी ए टी ए तो पेलेंड्रॉम ने ही बना इसको पढ़ो सी जी ए ए टी जी सी यहाँ आ गया जी टी ए ए जी सी ये भी नहीं बना इसको पढ़ो जी ए ए टी टी सी जी ए ए टी टी सी यानी सी हो जाएगा हाँ फिफ्टी सेवन में सी हो जाएगा पैलिंड्राम चेक करना बेटा एक तरफ से आप पढ़ोगे फाइव से थ्री दोनों स्टैंड पे पढ़ोगे सेम सिक्वेंस होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्यों यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देख कितना कॉमन क्वेश्चन है कितनी बार आपसे पूछा गया और ये मेंडल चाचा और ये सब कहा गायब हो गए डारविन लेमार्क कहा देव डीएनए को किसी विशेष जगह पर कट कर सकते हैं डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव बाई ट्रीटमेंट विद नीट दो हजार उन्नीस में पूछा गया था डीएनए को प्रेसिपिटेट कराएंगे किसके थ्रू तो डीएनए को प्रेसिपिटेट कराते हैं चिल्ड इथेनॉल इथेनॉल होती है शराब तो ठंडी दारू चाहिए एकदम डीएनए को प्रेसिपिटेट होने के लिए Tank have been for need 2016. Tank ऐसा एक क्वेश्चन अभी मैंने कराया था अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस एप्शन से हो जाएगा वॉट इज ट्रू अबाउट डी एन ए पॉलीमिरेज यूज इन पी सी आर डीएनए पॉलीमेरेज के लिए कौन सा सही आज से हम वीआईपी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं अन के ऐप पर और वीआईपी है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बहुत ही बेहतरीन सवाल हम करेंगे और ये आज से हम शुरू कर रहे हैं अभी 11 बजे क्लास होगी बेटा आपकी अन लर्निंग ऐप पर और वहां पर आज पहला चैप्टर द लिविंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे कल नौ बजे जो आपकी क्लास होगी अनएकेडमी लर्निंग ऐप पर उसमें हम इकोलॉजी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे ओके बच्चों और कल यहाँ पर नेट पंचायत में हम लोग बायोटेक के सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज इज एक्टिव एट हाई टेम्परेचर ये हाई टेम्परेचर पर एक्टिव रहता है 62 जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का किस लिए यूज किया जाता है एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का किस लिए यूज करते हैं सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोनिंग वेक्टर इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर है क्लोनिंग वेक्टर कौन सा बेटा इनमें से 63 टीआई प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड इज द क्लोनिंग वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिजमेंट इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम प्लांट सेल के लिए सेलुलेज यूज कर सकते हैं बिल्कुल सही है पंजाई के लिए काइटिनेज बिल्कुल, बिल्कुल सही है बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम बिल्कुल सही है एलगी के लिए मिथाइलेज नहीं एलगी में सेलोज होता तो सेलुलेज का यूज करेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन पीसीआर देखो अट्ठारह में, था में। अब ऐसा सवाल हमने किया था डीचुरेशन सबसे पहला स्टेप देन एलिंग और उसके बाद एक्सटेंशन स्टेप आ जाएगा द फॉलोइंग इज ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है नीट 2016 में आपसे पूछा गया था कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है

वो किससे बनी होती है माइक्रो पार्टिकल या बुलेट किससे बनी होती है बेटा आर मेड अप ऑफ गोल्ड टंगस्टन नीट 2012 में पूछा गया था डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और मुझे कोई ये भी बता दी जीनगन मैथडियरियम कॉमनली यूज इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग इन जो बैक्टीरिया कॉमनली प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है वो कौन सा है बैक्टीरिया कॉमनली यूज इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट इज एग्रोबैक्टीरियम नीट दो में पूछा गया था एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर सी आर टैग पॉलीमिरेज इज यूज बिटवीन बहुत अच्छा सवाल है टैग पॉलीमिरेज का यूज किसके बीच में किया जाता है टैग पॉलीमिरेज का यूज़ किसके बीच में किया जाता है हाँ, जिन गन का मेथड प्लांट के लिए यूज किया, किया जाता है जिन गन का मेथड जो होता है ये प्लांट के लिए यूज किया जाता है प्लांट के लिए यूज करते हैं किसके बीच में अच्छा ये पीसीआर की बात कर रहे थे पीसीआर का यूज किसके बीच करते हैं एनिलिंग और एक्सटेंशन के बीच में एनिलिंग और एक्सटेंशन के बीच में यूज करते हैं ये फिगर देखिएगा एनसीआर का उसमें दिखाया गया है बायो रिएक्टर इज बायोरिएक्टर वेसल और डिवाइस इन विच रिएक्टर एक वेसल या डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं मिकल प्रोसेस इनवॉल्विंग माइक्रो ऑर्गेजम यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिम बैक्टीरिया फंसाई का यूज करकेमिकल प्रोसेस कैरी करते हैं वॉट इज द क्राइटेरिया फॉर डी एन ए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एग्रोजेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोर सत्रह द स्मॉलर दर इन मूव बिल्कुल सही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ द प्लाजमिट प्लाज्मिट का कौन सा फीचर नहीं है

नहीं नहीं एक मिनट एक पहला जो स्टेप है बेटा ये हो जाएगा डिनेचुरेशन एनिलिंग एंड एक्सटेंशन तो हाँ सी ये सही हो जाएगा ऑप्शन 73 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 73 का ए सही होगा बिल्कुल सही है इको आर वन क्लीव द डीएनए स्ट्रैंड टू प्रोड्यूस

एक जिसका एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्म सेल को पता लगाने में आइडेंटिफाई identify... चिल्ड इथेनॉल को ऐड करते हैं बेटा बताइए चिल्ड इथेनॉल को ऐड करते हैं किस लिए टू तो प्रेसिपिटेट आ, प्रेसिपिटेट डीएनए डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए द टर्म माइक्रो इंजेक्शन बायोलिस्टिक एंड डेसाम वेक्टर आर रिलेटेड टू इतना सवाल पूछा गया था आपके 2015 AIPBT में इन सब का यूज कहां करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग दो हजार 2017 में पूछा गया था सेपरेशन प्यूरिफिकेशन दैट प्योरिफिकेशन देश डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग गलती करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक का यूज किस काम के लिए करते हैं एंटीबायोटिक का यूज किसके लिए करते हैं एंटीबायोटिक देखिए पहली चीज तो यह है यहां पर कि बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं ठीक है तो ये एंटीबायोटिक तो सेलेक्टेबल मार्कर नहीं होते ठीक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं एंटीबायोटिक तो का यूज किया था फॉर कीपिंग कल्चर फ्री ऑफ इंफेक्शन ठीक कल्चर को आ, फ्री रखने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं नीट 2020 में भी ये सवाल पूछा गया था ठीक है तो सेलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक नहीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं सारे बच्चे गलत कर रहे हैं विच कैन बी यूज एज वेक्टर फॉर ट्रांसफर ऑफ डी एन ए सेगमेंट कौन वेक्टर की तरह काम कर सकता है नीट दो हजार दस में आपसे सवाल पूछा गया था कौन वेक्टर की तरह काम कर सकता है

टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक हमारे पास है बेटा दैट इज रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी एंड लास्ट क्वेश्चन इज द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेट बैक्टीरिया अपियर व्हाइट इन कंट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉमेंट बैक्टीरिया बिकॉज आप बताइए जल्दी से रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की कॉलोनी व्हाइट होती है नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की कॉलोनी ब्लू होती है रीजन आपसे पूछा गया है क्या रीजन है इसका तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू इसलिए होती है क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेन करता है बीटा एंजाइम को सी करेक्ट ऑप्शन हो जाए कितने कितने आपने सही कि जल्दी से बताइए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन हिट करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ये टेलीग्राम चैनल भी है लेट्स क्रैक नीट यूजी तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए इस कोड का यूज करेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्काउंट मिलेगा इसी कोड को यूज करेंगे कॉम्बैट के लिए फ्री में उस टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो हर संडे को होता है इक्कीस मार्च को भी होगा और इसी को आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पे लाइव क्लासेस स्पेशल क्लासेस के लिए और एक स्पेशल क्लास बस जस्ट स्टार्ट होने जा रही है चार मिनट के बाद और उस क्लास में आज हम डिस्कस क्या करने वाले बेटा आज जो क्लास आपकी अभी जस्ट शुरू होने वाली इसमें इस सीरीज इस का नाम मैं रखा वी सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और इन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं द लिविंग वर्ड ओके द लिविंग वर्ड तो कल के बारे में आपको बता देता हूं कल जो आपकी क्लास होगी रात में नौ बजे इसमें हम रिप्रो रिप्रोडक्शन की क्वेश्चन तो आज हो चुके हैं ना इसमें हम क्वेश्चन किसके करने वाले हैं बेटा इसमें हम इकोलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं कल के बारे में बता रहा हूँ आपको ठीक इकोलॉजी ऐप पे क्लास होगी आपकी 10 बजे जो आपकी क्लास होगी नीट पंचायत की इसमें हम बायोटेक के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे youtube पे क्लास होगी आपकी ठीक है और कल जो 11 बजे क्लास होगी बेटा ये आपकी क्लास होगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और ये क्लास आपकी कहां पर होगी ऐप पे होगी तो नौ और ग्यारह वाली क्लास आपकी ऐप पे होगी दस वाली यूट्यूब पे होगी तीनों ही क्लासेस फ्री हैं और इन तीनों क्लास में डेली बेसिस पर आपको 200 से 250 क्वेश्चन में अभी फिलहाल करा रहा हूं 200 से 250 और इतना करते रहेंगे तो नीट तक 25 से तीस हजार क्वेश्चन में आपको कर लू करा दूंगा ठीक है बस आपको साथ में लगे रहना है ठीक है महाकाल जल्दी ही मिल जाएगा बेटा जल्दी ही मिल जाएगा तो आज के सेशन के लिए इतना ही बच्चों अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए पढ़ाई करते रहिए पढ़ाई में मन लगाइए और मन तभी लगेगा जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो मिलते हैं दो मिनट में अनकेडमी लर्निंग ऐप पर उसका लिंक में आपको तुरंत भेज रहा हूं ओके बच्चों तो बाय बाय टेक केयर एंड लव यू बच्चों